अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कौमी टाइम्स और न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं साइमा खान। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने आज न्यू डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में अफसरान की एक मीटिंग में पीएमजी एसवाई और पीडब्ल्यूडी के जरिए शुरू की गई सड़कों की जिस्मानी और माली हैसियत का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डीसी किश्तवाड़ ने पीएमजी एसवाई और पीडब्ल्यूडी के तहत किश्तवाड़ छात्रों और मरवा साहब डिवीजनों में सड़कों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। कौमी टाइम्स के लिए किश्तवाड़ से भट्ट अजहर की ये रिपोर्ट। गांधरबल में स्कूल कोविड 19 पाबंदियों के बाद आज खुल गए। डीसी गांधरबल ने मुख्तलिफ स्कूलों में इंतजाम का मुआयना किया। पिछले साल लॉकडाउन नाफिज होने के बाद जिला गांधरबल में कोविड 19 में पाबंदियों के बाद 9वीं से 12वीं जमात के क्लास के स्कूल आज दोबारा खुल गए। तलबा के हौसले और हौसला अफजाई की कोशिश में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने मुख्तलिफ सेकेंडरी स्कूलों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने तलबा का फूल और मिठाई के साथ इस्तकबाल किया। कौमी टाइम्स के लिए गांधरबल से मीर शफकत की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग अंशुल गर्ग ने आज डीसी ऑफिस अनंतनाग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खनबल में 6 मार्च को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाला मेगा सर्विस कैंप की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में एडीसी सेक्रेटरी डीएलएसए एसीआर और मुतलिक महकमों के अफसरान ने शिरकत की। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीडीपी कारकुनों का जम्मू में मुजाहरा। जम्मू कश्मीर में ईंधन की बढ़ती कीमतों और आवाम पर मजमू प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर बीजेपी की जैर क्यादत मरकजी हुकूमत के खिलाफ आज दर्जनों पीडीपी रहनुमाओं और कारकुनों ने मुजाहरा किया। उन्होंने कहा पीडीपी खामोश नहीं रहेगी और मरकज और जेके हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करेगी। कौमी टाइम्स के लिए आशिक देव की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डिफोदी ने आज सहूलियात और इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिले में सर्विस सेक्शन बोर्ड के जरिए दर्ज चारों भर्ती के तीसरे मरहले के इम्तहान के लिए कायम करदा इम्तहानी मराकज का दौरा किया। इम्तहान के आखिरी मरहले में जिला भर में 4621 उम्मीदवार शरीक हुए। उस दौरे के दौरान डीसी ने कई इम्तहानी मराकज का मुआयना किया और इम्तहान के आसानी से इनेकाद के लिए वहाँ किए गए इंतजाम का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने हुकूमत को आवामी खिदमत का एक जरिया बताते हुए कहा कि इसी जज्बे के सबब उनकी पार्टी एक बड़ा कंबो बन चुकी है, जबकि अफरादियत की तरक्की देने का हदफ रखने वाली कांग्रेस समेत दीगर पार्टियां मखसूस कंबा की पार्टी के तौर पर सिमट गई है। उन्होंने उसूलों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ बीजेपी का कंबा बड़ी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जबकि कई पार्टियों की शिनाख्त मखसूस कंबा की पार्टी के तौर पर बन गई है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंदर रैना ने जुमा के पार्टी सदर दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में कहा कि मजबूत और बाइख्तियार बुलंदियाती इदारे जमीनी सतह पर बेहतरीन तरक्की के लिए जरूरी है। रैना ने आवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अपने मुतल्लिका इदारों को मजबूत बनाए ताकि वो मवसर अंदाज में काम कर सके। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तीसरी बार सदर के ओहदे का इंतखाब लड़ सकते हैं। सदर के ओहदे से हटने के बाद पहली बार तब किसी बड़े जलसे आम में शिरकत करते हुए ट्रंप ने कहा मौजूदा सदर बाइडेन अमेरिकी कानून को लागू करने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से अपने फराइज सरंजाम देने में नाकाम रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कुठवा पुलिस ने आज जिला लाइब्रेरी कुठवा में इंतजाम कैरियर के लिए पुलिस पब्लिक इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। डीसी कुठवा ओम प्रकाश भगत के साथ एसएसपी कुठवा डॉक्टर शिलेंद्रा मिश्रा ने इफ्तिताही तकरीब में लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जाकर कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली खुराक ली।
वादी कश्मीर में 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल आज से खुल गए। वादी कश्मीर में खुशगवार मौसम के बीच आज एक साल बाद 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खुल गए और दरसों तदरीस का बाकायदा अमल बहाल हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू जीओसी चिनार कॉर्पस ने कहा कि मेरे ख्याल में वादी में सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। उन्होंने मजीद बताया कि उन्हें कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है कि वादी में पथराव, एहतजाज और बंचू के मामले में हर चीज में एक बहुत ही अलग फर्क देखा गया है। नाजरीन, मुझे और कौमी टाइम्स की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।